हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब क्लासेस। आज से हम पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं एमपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए। तो पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करना है। तो अभी इस क्लास में हम बेसिक थ्योरी कवर करेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करवा दूंगा मैं। एमपी बोर्ड के लिए अभी मैं राठी की बुक से क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर आपको किसी दूसरी बुक से क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जैसे शिवलाल हो गया या और भी कोई बुक है जो एमपी बोर्ड में चलती है तो उसके क्वेश्चंस भी मैं कवर करवा दूंगा। तो बेसिकली अभी हम राठी बुक के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम बेसिक थ्योरी कवर करेंगे, लगभग 10 मिनट की थ्योरी क्लासेस होगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप। जिसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है वो उस क्लास को स्टार्टिंग से देखें, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, सपोज दैट मान लीजिए आपको एक पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एक्स और वाई है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये नाम हो गया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इनके पास एक लाख रुपए है इनके पास और ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन दोनों लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और इनका नाम हो गया, इन्होंने एक फर्म का नाम रखा एक्स एंड वाई एसोसिएट्स, ठीक है। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरू में जो पैसा लगाया उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्लियर हो गया। पार्टनर्स कौन हो गए, एक्स हो गए और वाई हो गए, ये दोनों हमारे पार्टनर्स हो गए। और ये जो एक्स एंड वाई एसोसिएट्स हो गया, ये पार्टनरशिप फर्म हो गई। क्लियर हो गया। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अकाउंटिंग करना है तो हम इसमें अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे, पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग करेंगे। हमें पार्टनर से पर्सनल कोई मतलब नहीं होना है, पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर हो गया। ओके, तो जैसे आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा था क्लास 11th में, हमने अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री किया था, उसके बाद हमने लेजर बनाया था, सब्सिडरीज और कैश बुक बनाया था, राइट। उसके बाद हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट जब हमें बनाना है तो हम यहाँ पर अब नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे। अगर वो कंपनी है तो उसके फाइनल अकाउंट दूसरे तरीके से प्रिपेयर होंगे, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसके फाइनल अकाउंट अलग बनेंगे, और अगर वो एनपीओ है तो उसके फाइनल अकाउंट अलग बनेंगे। एनपीओ वाला तो हम देख चुके हैं, यहाँ पर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, राइट। कंपनी का अभी आगे पढ़ेंगे, तो अभी हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है पार्टनरशिप फर्म का। इट इज क्लियर। ओके, तो देखें, जब हमने फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट करा था तो पार्टनरशिप में जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, यहां तक सारी अकाउंटिंग सिमिलर होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अब आपको अगर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना है तो यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप का प्रॉफिट होगा उसको आप कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये अकाउंट बनाना है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे पार्टनर से रिलेटेड कुछ और अकाउंट बनाएंगे, जहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक चैप्टर, वहां पे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट और पार्टनर्स के फर्म का अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो अभी हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखें, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट समझते हैं, ज्यादा एडवांस लेवल का फॉर्मेट नहीं है, बेसिक फॉर्मेट पढ़ाऊंगा मैं। तो यहां पर ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, राइट। दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज डेबिट साइड। तो ये डेबिट साइड हो गया। अब यहां पर फर्म के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, वो हम यहाँ डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी पार्टनर को क्या दे सकते हैं, टू पार्ट इंटरेस्ट मान लीजिए देना है हमें, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है फर्म के अंदर उनको हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो मान लीजिए तीन पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, तो तीनों का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इट इज क्लियर नाउ। क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस आता है, बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट के बैलेंसेस आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में वो यहाँ पर आप ब्रॉट डाउन करके लिखिए, राइट। फिर क्रेडिट साइड में और क्या आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म की इनकम क्या हो सकती है पार्टनर से, तो इनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है। अगर किसी पार्टनर ने कुछ अमाउंट विदड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्रॉइंग कहते हैं, तो इस पर वो इंटरेस्ट भी देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मान लीजिए तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो तीनों यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। नाउ यहां डेबिट साइड में आपका और क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है, राइट, कोई कमीशन मिल रहा है या अदर रेमुनरेशन मिल रहा है, तो वो यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद ये भी तीनों पार्टनर को मिल सकता है एक्स वाई जेड। फिर हमें फाइनल बैलेंस निकाल देना है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बता रहा हूं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसका फाइनल आंसर निकालना है। तो बैलेंसिंग के लिए आप क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट के टोटल को घटाएंगे, तो यहाँ फाइनल जो बैलेंस बचेगा अगर डेबिट में बचता है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, और वही बैलेंस अगर सपोज इधर बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो हो जाएगा हमारे लिए लॉस, राइट। तो मान लीजिए यहाँ एक बैलेंस बचा, तो उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीनों को ट्रांसफर कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसके थ्रू ही मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। अब आपकी बुक में जो अभी चेंजेस आए हैं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखना है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना सीखना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया है उन्होंने। तो अभी हम जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन दिए हैं बुक में वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे बेस्ड है। तो कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन करते हैं जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए आप लोग बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, बुक निकाल लीजिए राठी की बुक। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन। जिनके पास राठी की बुक नहीं है वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग कमेंट में बताएं, मैं उनको भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, राइट। अगर दूसरी बुक है, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो भी आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को तो मिलेगा ही कि कैसे प्रोसेस करते हैं चीजें, कैसे अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखें और अपने बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। तो अभी आइए बुक का पहला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आप लोग भी आ जाए मेरे साथ साथ, आपको क्वेश्चन रीड करना है केयरफुली। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पेज नंबर, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो आप लोगों के पास अगर हिंदी मीडियम की बुक है तो आप आ जाए आखिरी में। इस इंग्लिश मीडियम की बुक का पेज नंबर है 109। तो मैं क्वेश्चंस, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी आप ये समझ सकते हैं, मैं क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रीड करूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए अभी क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर वन। पहले एक जरा बेसिक पढ़ते हैं। तो अमरेश एंड कमलेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर है, उनका नाम अमरेश और कमलेश है। देयर कैपिटल ऑन 1st January 2018 वर 280 and 220। देखिए उनकी कैपिटल आपको 1st January की दी हुई है, दोनों पार्टनर्स की। पहले वाले का नाम क्या है, अमरेश, दूसरे वाले का नाम क्या है, कमलेश। ऑन September 1st 2018 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2,50,000 ईच। मतलब 1 September 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। The necessary adjustment in the capitals were made. जो भी adjustment करना था वो आप करिए, चाहे तो पैसे withdraw करें या फिर introduce करें। Interest on capital 6% per annum charge किया जाएगा। आखिरी में आपको क्या करना है, You are required to compute interest on capital for the year ending 31st December 2018. मतलब हमें आखिरी में interest on capital निकालना है। तो चलिए start करते हैं। Basic question है interest on capital का। 1st January को उनकी कैपिटल, मैं अब यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। देखिए यहां पर प्रेजेंटेशन रफली कर सकते हैं आप, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता कि इसको कैसे करना है, ओके।
तो इसकी कैपिटल थी 2,80,000 रुपए और इसकी कैपिटल थी 2,20,000 रुपए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सितंबर को। तो फर्स्ट सितंबर को क्या होता है, फर्स्ट सितंबर को इनकी कैपिटल फिक्स्ड हो गई 2,50,000 रुपए और इनकी कैपिटल भी फिक्स हो गई 2,50,000 रुपए, राइट। तो चलिए जरा बताएं अब क्या होना है आगे। तो देखिए जरा, ये इसकी कैपिटल 2,80,000 थी, अब इसकी कैपिटल 2,50,000 रुपए है, तो 30,000 रुपीज क्या करेगा, ये विदड्रॉ कर जाएगा ना, ठीक है, दिस इज विदड्रॉ। इसकी कैपिटल 2,20,000 है, इसकी कैपिटल 2,50 होना चाहिए, तो ये 30,000 रुपीज लेकर आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस। ये रफ है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो आइए निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से निकालना है, तो जरा पहले वाले का समझिए, फर्स्ट जनवरी से लेकर के फर्स्ट सितंबर तक कितने महीने हो गए, गिनिए जरा। फर्स्ट सितंबर है तो सितंबर को नहीं गिनना है, तो ये टोटल 8 महीने हो गए, तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी 2,80,000 रुपए, कितने महीने की, 8 महीने की, 8/12 इंटू कितने परसेंट चाहिए हमें, 6%, 6/100 सॉल्व करिए तो यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा जरा आगे क्या होता है, तो आगे यहां पर बोला गया है फर्स्ट सितंबर से इनकी कैपिटल चेंज हो जाती है, कितनी हो जाएगी फर्स्ट सितंबर से, तो फर्स्ट सितंबर को टू 31 मार्च, फर्स्ट सितंबर से 31 मार्च तक इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,50,000 रुपए। तो अब इनको इंटरेस्ट किस पर निकालना है, 2,50,000 का 6% कितने महीने का, 4 महीने का ना, 4/12, तो दोनों इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए। तो देखिए जरा, अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका सॉल्व कितना आ रहा है, 11,200 और इसका आ रहा है 5,000, दोनों का कितना हो गया, 16,200 रुपए। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है, तो आइए इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं, आपको बस समझना है। अब देखिए, फर्स्ट जो डेट हमने लिखी है, फर्स्ट सितंबर, फर्स्ट जनवरी टू फर्स्ट सितंबर, कितने महीने हो गए टोटल, 8 मंथ्स, तो 2,20,000 का 6% इंटू 6/100 इंटू 8/12 अभी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद तो वही 2,50,000 कैपिटल थी, सेम अमाउंट ही आएगा, 2,50,000 का 6% इंटू 4/12, 4 महीने का, ये तो 5,000 आएगा, और 2,20,000 का 6% 8 महीने का, तो ये आ जाएगा 8,800 रुपए, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से किया है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप तो अच्छे से खुद से करिएगा। 8,800 प्लस 5,000 टोटल कितना हो गया, 13,800 रुपए, यही फाइनल आंसर है। इट इज क्लियर नाउ? तो आप ये क्वेश्चन जो है एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आप अगर स्कूल में दूसरे तरीके से पढ़ाया गया होगा या कोचिंग्स में, तो आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करिएगा अभी, या इस तरीके से करना है तो आप ऐसे भी करिएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। तो यहाँ पे शीला और लीला आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर हैं, फर्स्ट जनवरी 2018, पहले तो मैं जरा उनका नाम लिख लूं, एस और एल, दो पार्टनर्स हैं, लाइन भी खींच ही लेते हैं क्योंकि अकाउंट्स पे पढ़ रहे हैं हम, तो आप चाहे तो ऊपर पर्टिकुलर्स बना सकते हैं, बिकॉज इट्स कैलकुलेशन, तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है बनाना इसको, ठीक है। दो पार्टनर्स थी, फर्स्ट जनवरी को उनकी कैपिटल कितनी दी हुई है, इसको पढ़ेंगे आराम से, पर एक बार डेटा को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट जनवरी को उनकी कैपिटल दी हुई है 4,00,000 और 3,00,000 रुपए, तो फर्स्ट जनवरी को
कैपिटल कितनी है? पहले वाले पार्टनर की है 4 लाख, यहां पे लाइन खींच ही लेते हैं। दूसरे वाले पार्टनर की है 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 मई 2018 दे इंट्रोड्यूस 50 और 40,000। देखिएगा 1 मई 2018 को, मैं आपकी बुक में अलग ईयर हो सकता है अगर पुरानी बुक है तो 1 मई 2018 को दे इंट्रोड्यूस, मतलब वो पैसा लेकर आ रहे हैं। पहला पार्टनर कितना 50,000, दूसरा पार्टनर कितना 40,000। इंट्रोड्यूस मतलब पैसे लेकर आते हैं। 1 नवंबर 2018 को लीला ने 12,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। लीला मतलब सेकंड पार्टनर, ठीक है। तो यहां पर भी डेट डाल देता हूं मैं, कौन सी डेट आ जाएगी 1 नवंबर 2018 को विड्रॉ। अमाउंट आप बताइए, व्हाट अमाउंट? 12,000, ठीक है। तो अभी हम इनकी टोटल कैपिटल निकालेंगे कितना अमाउंट है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल क्वेश्चन था। तो एक बार जरा इनकी क्लोजिंग कैपिटल, वैसे क्लोजिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट निकालना है। तो इनकी कैपिटल 4,50,000 है टोटल, और इनकी कैपिटल लिख ही लेता हूं मैं, तो इनकी कैपिटल है 4,50,000 रुपए एट द एंड। और 340 में से घटाइए जरा 12, 328 होता है क्या, 3,28,000 रुपए। आखिरी में पढ़िए क्वेश्चन, निकालना क्या है, 6% पर एनम पर इंटरेस्ट निकालना है 31 दिसंबर 2018 को। तो आइए निकालते हैं। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 जनवरी से लेकर के 1 मई तक कितनी कैपिटल थी भाई, 4 लाख। 4 लाख का कितने परसेंट, 6%। कितने महीने का निकालना है आपको, ये निकालना है। गिनिए जरा, 1 मई तक गिनना है, मतलब अप्रैल तक ही 4 महीने होते हैं, 4/12, क्लियर। सेम कैलकुलेशन यहां पर भी होगी, 3,00,000 × 6/100 × 4/12, यही लिख लेता हूं मैं। तो 3 लाख, इस पे कितना आ गया इसका 8,000, दूसरे वाले का 6,000। फर्स्ट क्लियर हो गया ना, 4 महीने का यहाँ ये कैपिटल थी तो इस पर दिया है। नाउ 1 मई से कैपिटल कितनी हो जाएगी, पैसा लेकर आ रहे हैं ना, तो यहाँ से 4,50,000 इसकी कैपिटल और 3,40,000 इसकी कैपिटल। तो 1 मई से लेके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आइए निकाल। तो देखिए जरा, फर्स्ट वाले का मैंने कैलकुलेट कर दिया है, 4,50,000 × 6% × 8 महीने का, ये आ गया 18,000। अब हम दूसरे का कैलकुलेट करते हैं, तो 3,40,000 रुपए इसकी जो कैपिटल थी यहाँ दी हुई है, 3,40,000 टोटल हो रहा है, राइट। तो 3,40,000 का कितने परसेंट निकालना है हमको, 6%। कितने महीने तक, तो 1 मई से 1 नवंबर तक गिनी है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही गिनेंगे, 6 महीने होते हैं। तो इनटू 6/12 सॉल्व करिए जरा, इसको कितना आएगा, 10,200 रुपए लिख दिया है मैंने। आखिरी में इसकी कैपिटल 3,28,000 हो गई है, तो 3,28,000 का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक्चुअल में प्लेस नहीं है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आखिरी में इसकी कैपिटल 3,28,000 हो गई है, 3,28,000 पे 6%, और कितने महीने, 2 महीने होंगे, नवंबर और दिसंबर का। तो इसको कितना आएगा, 3,20,000, यहाँ पे 2/12 होना चाहिए था, तो मैं इसको, तो देखिए यहाँ पे 2/12 होगा, ओके, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3,280। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3,280, दोनों का फाइनल आंसर। अब आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा इसका 19,280 आ रहा है, और दूसरे वाले का कितना आ रहा है, 26,000 आ रहा होगा। आप एक बार चेक कर लें बुक में, शायद यही आंसर आएगा। यस, इट इज क्लियर। 19,480, एक मिनट, तो 2 और 2 4, अच्छा तो ये 2 और 2 4 था, 19,480, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक और क्वेश्चन करते हैं, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3।
आप लोग पहले मेरे साथ क्वेश्चन रीड करें, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑन दिसंबर 31st, देखिए पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिसंबर 31st से शुरू हो रहा है, मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है ऑफ एबीसी। तो मैंने इनकी क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पर नोट कर दिया है, बाद में ये डिसाइड किया गया। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हैज बीन ओमिटेड, ठीक है देना भूल गए हैं। इट वॉज discovered that interest, okay ठीक है। The profit for the year amounted to 75,000 rupees and the partner's drawing had been 10,000. This interest on capital. Now अब एक question मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है interest on capital जो है हम निकालते हैं तो किस capital पर निकालते हैं, opening पर निकालेंगे या फिर closing पर निकालेंगे। तो अगर आपको आंसर आता है तो बढ़िया है, तो इसका सही जवाब है ओपनिंग पर निकालेंगे, क्योंकि भाई जो हमारे पास स्टार्टिंग से कैपिटल होगी उसी पर तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, आखिरी कैपिटल पर क्यों निकालेंगे, वो तो एट द एंड है, तो जो स्टार्टिंग की कैपिटल होती है उसी पे हम साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इट इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन में तो हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ओपनिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस कर दें और प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा दैट इज ओपनिंग कैपिटल। क्या आपको ये कोई फॉर्मेट रटना है? बिल्कुल भी नहीं रटना है। तो इसके लिए मैं आपको रफ वर्क में समझा देता हूँ। देखिए क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे बैलेंस शीट, वहां पर लाइबिलिटी साइड में आइए जरा, तो वहां हम क्या लिखते थे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस ड्रॉइंग, तो फाइनल अमाउंट यहाँ आता था, दैट वाज योर क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें उल्टा चलना है अब, तो क्लोजिंग कैपिटल से यहाँ आना है, ओपनिंग कैपिटल पर आना है, तो क्लोजिंग कैपिटल में उल्टा आना है, तो इसको प्लस कर दीजिए ड्रॉइंग और प्रॉफिट को कर दीजिए माइनस, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। तो आइए एक बार इसको सेट करते हैं अमाउंट को। तो आप लोग बताएं जरा ड्रॉइंग की अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपए पहले वाले की है, 7,500 दूसरे की है और तीसरे की कितना है 5,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना है टोटल 75,000, तो इक्वली बांट देंगे, रेशियो कुछ दिया नहीं है, तो तीनों का ही प्रॉफिट 25,000 हो जाएगा। इट इज क्लियर नाउ। अब आप इसका फाइनल बैलेंस खुद निकालिए जरा। तो ये तीनों प्लस माइनस कर लिया है, आप मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन करें। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आने के बाद अब आपको इंटरेस्ट चार्ज कर देना है। इंटरेस्ट कितने परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के आखिरी में पढ़िए जरा, 10% दिया है, तो बहुत ही आसान है। 1,85,000 का 10% कितना होगा, 18,500, और दूसरे वाले का 13,250। Now it is clear, तो उम्मीद है आप लोगों को परसेंटेज निकालना आता है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उसको भी डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो वो भी मैं सिखा दूंगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब इस बुक में एक गलती है कि सिर्फ आपको दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया ही नहीं है। वैसे तो ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, सीबीएसई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट आपको बेसिक है तो मैं भी ज्यादा एडवांस लेवल नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ लिखा है रमन एंड बबनाथ पार्टनर्स इन अ फर्म, रमन विड्रॉ 2,000 पर मंथ, मतलब वो एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है। तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है तो जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। अगर लर्न नहीं करना है, इसका तरीका सीखना है, तो आप बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एमपी बोर्ड में देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं, बस आप सिंपल से तरीके से इसको सीख लें। अगर कोई पार्टनर इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, मतलब महीने की शुरुआत में पैसे निकालता है तो उसको 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान से समझिएगा, कई स्टूडेंट इसको 6.5% समझ लेते हैं, नहीं भैया 6.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी में कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा।
और अगर महीने के बीच में मतलब मिडिल ऑफ द मंथ में पैसे निकालता है तो उसको लगेगा 6 महीने का इंटरेस्ट। तो आइए पहले हम फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट में आप मुझे बताएं वो कितने पैसे निकाल रहा है, 2000 रुपए हर महीने निकाल रहा है। तो 2000 इंटू क्या कितने महीने होंगे, 2000 इंटू 12 कर दूं मैं, साल भर के कितने 24000 रुपए निकाल रहा है। इंटरेस्ट कितने प्रतिशत चार्ज हो रहा है, नाउ टेल मी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% हो रहा है। तो 24000 का 10% कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ये लिखा है मैंने, इंटू 6.5 बाय 100, सॉरी मंथ है ना तो बाय 12 होगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, मैं तो कैलकुलेटर्स करूंगा, तो ये आ गया 1300, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, आप ये खुद से सॉल्व करिएगा। दूसरे का भी ऐसे सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ पे भी सेम कहानी है, 2000 इंटू 12, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं 24000, 24000 रुपए कितने परसेंट, 10%, 2400 हो गया, लेकिन 5.5 महीने तो 5.12 कितना आएगा, 1100 रुपए आएगा। ठीक है, आखिरी में क्या होना है, मिडिल ऑफ द मंथ मतलब 24000 रुपए कितने परसेंट, 10% कितने महीने के लिए, 6 बाय 12, तो 1200 का आधा कितना हो, सॉरी 2400 का आधा 1200, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये अच्छे से समझ लीजिए, तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाला नहीं था मैंने, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आप लोग अच्छे से नोट करें, वैसे आपके पास नोट होगा तो इसको बस समझ के आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, मीरा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, मीरा एक फर्म में पार्टनर है, शी विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, तो वो कुछ अमाउंट विथड्रॉ करती है, तो हमें एक कॉलम बना के कितना कितना अमाउंट, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन हो रहा था महीने की स्टार्टिंग में या एंड में या मिडिल में, तो अगर एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ करेंगे तो मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि 5.5 महीने, 6.5 महीने या 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर आप हर महीने अलग अलग अमाउंट विथड्रॉ करेंगे तो फिर आपको मंथली इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में भी वही है। तो यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन होनी है, आइए इसका एक फॉर्मेट बना के सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो देखिए मैंने अभी बेसिक सा कॉलम ड्रॉ करा है, कैसे कॉलम ड्रॉ करना है ये आपकी मर्जी है, आप जैसे भी कॉलम ड्रॉ करना चाहे कर लें, इसका कोई सॉल्यूशन करने का एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए मंथ्स, मतलब वो कौन से महीने से है, सेकेंड नंबर पे कैलकुलेशन कर लेंगे और आखिरी में इंटरेस्ट निकाल देंगे, बीच में हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल के टीचर या कोचिंग के टीचर और भी कॉलम्स बनवा सकते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग भी चलें, बट दिस इज द कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हम कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है ना, मूव टू द कैलकुलेशन, अब कैसे करना है वो समझिए आप। फर्स्ट फेब को उसने अमाउंट विदड्रॉ करा है, कितने रुपए विदड्रॉ किया है उसने, 12000 रुपए, यहीं पर लिख लेते हैं भाई 12000 रुपए निकाले। अब हमें इंटरेस्ट कैसे निकालना है, आखिरी में पढ़िए 9% का इंटरेस्ट निकालना है, तो 12000 का 9% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 1 फरवरी से उसने पैसा यूज करा है, 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 12 महीने, लेकिन उसने 11 महीने यूज करा है, 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक गिनिए कितने महीने होते हैं, तो वो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करके अमाउंट यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट पर आते हैं, 30 अप्रैल मतलब 4 महीने बीत चुके हैं, मतलब 8 महीने होंगे, तो 6000 का 9% 9 बाय 100 इंटू 8 बाय 12, अब समझ में आ गया कैसे आ रहा है ये, 30 जून को 9000 रुपए, तो यहां पर भी आ जाए 30 जून को 9000 का 9%, और महीने कैसे निकालेंगे, 30 जून तक 6 महीने निकल चुके हैं और दिसंबर तक 6 महीने ही बचे हैं, तो 6 बाय 12 हो जाएगा। 31 अगस्त इज नेक्स्ट, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचते हैं, अमाउंट कितना है 12000, तो 12000 का है 9% और 4 बाय 12 करना है। 1 अक्टूबर को 8000 रुपए निकाला है, तो 1 अक्टूबर को 8000 कितने परसेंट,
9% कितने महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12 अभी निकाल देंगे। 31 दिसंबर को कितने रुपए निकाला है, 7,000 रुपीज। क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? नो इंटरेस्ट, क्योंकि आखिरी में है वो, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आंसर। तो क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि ये भी जरूरत है। यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, दैट इज 2295। ये बिल्कुल आएगा, 100% श्योर है। अगर नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, ये था पहला पार्ट कंपनी, सॉरी फिर से कंपनी आ गया, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट था ये, ठीक है। जिन लोगों ने अभी आखिरी तक पढ़ा है वो लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आगे भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कंप्लीट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एमपी बोर्ड के लिए। लगभग 10 या 15 वीडियो या 20 वीडियोस में पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग कवर करवा दूंगा मैं, ओके। तो जैसे अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म आने वाला है, तो आप लोग इसके थ्रू पूरा रिविजन कर सकते हैं। मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए ये हेल्प करें कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, कॉमर्स स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको बताएं कि भाई कॉमर्स मेंटोर जो चैनल है वो आपको करवा रहा है अकाउंट्स क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, राइट। अभी मैं सिर्फ अकाउंट्स करवा रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल में बढ़िया से सब्सक्राइब करवाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट विद बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी करवा दूंगा मैं, क्लियर है।